तो फाइनली मैंने कल की 2898 एडी का शो देख लिया है और वाकई में फिल्म कैसा है कैसा नहीं है और फिल्म को हट के रियल भगवान कल्कि और बाकी सारी चीज़ों से जो अभी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड उससे इसका क्या संबंध है और एज अ मूवी भी कैसा है, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इससे निकल के आई हैं, तो पूरा वीडियो जो है देखना मजा आने वाला है। और कई लोग इसे इल्यूमिनेटी और नेगेटिविटी से भी जोड़ के देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो जरूर से देखिएगा। तो जैसे मैं दोस्तों, तो पहले बात करते हैं इस मूवी को एज अ मूवी के बारे में कि एज अ मूवी कैसा है। तो आपको बता दूं लगभग 3 घंटे के आसपास का ये मूवी है और वाकई में फिल्म शुरू से लेकर एंड तक आपको बांधे रखती है। मतलब शुरू में थोड़ा सा ज़बरदस्ती का कॉमेडी मोमेंट डालने का कोशिश किए, वो थोड़ा सा आप मतलब साइड कर सकते हैं और होल में देखेंगे तो मूवी इंटरेस्टिंग है। और विजुअल ट्रीट बोलूँगा मैं, इंडियन सिनेमा में मेरे ख्याल से इस लेवल के विजुअल शायद ही पहले किसी मूवी में देखे हो आप लोगों ने। मेरे ख्याल से पीक छू लिया है ना, और होना ही था, भगवान कल्कि के नाम पे मूवी है। और शुरुआत से ही महाभारत के कुछ पोर्शन दिखाए जाते हैं, बीच बीच में भी उसके थोड़े बहुत ग्लिम्प्स दिखाए गए हैं जो वाकई में काबिलियत तारीफ है। मैं तो विश करूँगा कि उस लेवल पे मतलब जो इसमें छोटे छोटे सीन है उस तरह के अगर कोई पूरी महाभारत होने तो वाकई में देखने में मजा आएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। स्टोरी की बात की जाए तो अश्वत्थामा से स्टोरी शुरू होती है, महाभारत का वो पोर्शन जहाँ पे वो अभिमन्यु का जो पुत्र होता है उसके ऊपर बाण चलाते हैं। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, भगवान कृष्ण का श्राप देना और कलयुग के, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, उसमें बताया कि हैं कि जब मेरा 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, उस समय तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, इस तरह को बोल के कहानी शुरू की जाती है। उसके बाद डिस्टोपियन वर्ल्ड में हम आ जाते हैं, यानी कि अभी से लगभग 1000 साल से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, यानी कि महाभारत के 6000 साल बाद में। और वहाँ पे स्टोरी शुरू होती है, काशी जो कि आखिरी सिटी है और उसके ऊपर ही एक कॉम्प्लेक्स की तरह एक सिटी बनाई गई है जो कि ग्रेट यास्किन नाम से एक बींग है जिसने बनाई है। हालांकि उसको हम कल ही मान सकते हैं, वो पूरी तरह से नेगेटिविटी है। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, काफ़ी रेफरेंसेस दिए गए हैं कि अलग अलग धर्मों में एक सेवियर की बात की गई है, एक अवतार की बात की है, जैसे कि हम भी बताते हैं वो भी इस मूवी में डाला गया है, तो अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से आप सभी को मूवी देखना चाहिए, देखने में पसंद आएगा। पूरी स्टोरी मैं रिवील नहीं करूँगा वरना फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप भी देखने वाले होंगे, कुछ स्पॉइलर भी हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ऑल ओवर मूवी की अगर बात की जाए तो वही कहानी चलती है कि गर्भ में है कल्कि, कल्कि नहीं दिखाए गए हैं, आप अगर उस हिसाब से जाने तो छोड़ दीजिए, उससे पहले की कहानी बताई गई है कैसे अश्वत्थामा बचाने का कोशिश कर रहे हैं उनको, और जो नेगेटिव साइड है जिसमें भैरवा भी हैं फिलहाल के लिए, हाँ एंडिंग में एक ट्विस्ट है, वो देखने में मज़ा आएगा, आप देखिएगा थिएटर में तभी मज़ा आएगा आपको, वरना रिवील हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो एज अ मूवी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला विजुअली बहुत बहुत ब्रिलियंट है, एक्शन सीन्स वगैरह ब्यूटीफुल है, जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करेगी आपको बांधे रखती है। तो और हाँ, एक और चीज़ भी बता देता हूँ, जिस तरह से कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनते हैं वैसे ही इसमें कल्कि को भी दिखाया गया है, मतलब जैसे कि जब उनका जन्म हो रहा था है ना, उस समय मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ, सभी वो पहरेदार सो जाते हैं, ताले अपने आप टूट जाते हैं ना, जो यमुना जी उफान पे होती हैं पर वहाँ पे वो शांत हो जाती है, वो जो पूरा पोर्शन है उसको एक न्यू ढंग में एडेप्ट करके यहाँ पे डाला गया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा लगता है मतलब देखने में कि हाँ कुछ क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है पर एक वो रूट भी लिया है उन्होंने जो कि अच्छा है। एक और सीन आता है जहाँ पे संभाला में वो एंटर हो रहे होते हैं कल्कि की माँ को लेके, और संभाला में जो लोग रह रहे होते हैं वो पूछते हैं हम कैसे मान लें कि यही भगवान है या फिर क्यों मान लें। तो उस वर्ल्ड में जहाँ पे मतलब बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, कहाँ पे कोई मतलब पानी के एक बूंद तक नहीं है, अचानक बारिश होने लगती है, मतलब नेचर रिस्पॉन्स करती है, तो वो सीन भी देख के मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें। खैर उसके अलावा भी मैंने बोला विजुअल ट्रीट है, ये महाभारत के जो पोर्शन दिखाए गए हैं ब्यूटीफुली। एक और चीज़ बता दूँ, ये एक सिंगल मूवी नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 मूवीज़ निकालेंगे ये, 300 तो कम से कम मान के चलिए, क्योंकि अभी तो कल्कि का जन्म भी नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। एक और पॉइंट भी, जैसे कि अभी हम भविष्य मालिका और कल्कि पुराण के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ दिया होता है कि जब जब भगवान का अवतार होता है तो काफ़ी सारे देवताओं के अंश मानिए देवता भी अवतार लेके उनके साथ में आते हैं। और भविष्य मालिका में तो ये भी दिए गए हैं कि महाभारत में कई योद्धा ऐसे थे जो
युद्ध नहीं कर पाए थे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो कलयुग के महाभारत में रिटर्न होंगे, है ना, तो वो इसमें डाला गया है, जो कि देखने में वाकई में मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ एंडिंग में एक ट्विस्ट आता है, विजुअल ट्विस्ट, और वाकई में मजा आएगा आपको। एक हो सकता है कई लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगे, पर जो लोग थोड़े से हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हैं उनको पता होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, पर वाकई में बोल रहा हूँ मजा आएगा, तो जाके देखिए मूवी। अच्छा, और आप मान के चलिए बॉक्स ऑफिस पे सुनामी लाने वाली है, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे में ये बम्पर ओपनिंग लेने वाला है। खैर, ये तो हुआ एज अ मूवी के बारे में। अब जो एक पॉइंट निकल गया था कि इसका क्या ही फ़ायदा हो गया, या फिर जो नेगेटिव एक जोड़ते हैं ना कि इल्यूमिनेटी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, हो सकता है वो भी कनेक्शन हो, पर मेरा पॉइंट ये है कि इसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी के समय में सनातन धर्म और कल्कि नाम, ये दोनों फैलने चाहिए, और वो दोनों ही इस मूवी से फैलेंगे। भले ही नेगेटिव साइड अपना काम करे होंगे, पर जो भी चीज़ें हैं उसको डिवाइन पॉजिटिव वे में लेना जानते हैं, और वो भी इस मूवी के साथ होगा। आप मान के चलिए ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, और हर जगह पे अब कल्कि नाम आने लगेगा। आप अपने आसपास देखिएगा, कई लोगों को अभी तक भी ये नहीं पता है कि कल्कि हैं क्या, मतलब भगवान विष्णु दसों अवतार भी लेंगे, कभी कलयुग का अंत भी होगा, इन चीज़ों के बारे में लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है, पर इस मूवी से वो आइडिया आ जाएगा। और लाखों साल का नंबर भी नहीं है इसमें, तो वो भी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी, एट दी एंड कल्कि नाम ही फैलेगा, ये चीज़ आप मान के चलिए, और मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ दिख रही है साफ मूवी में। अगर आपने मूवी देखा है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपके रिव्यूज़ क्या हैं, या फिर आप देखने वाले हैं तो भी कमेंट जरूर से कीजिएगा। खैर, तो ये था ऑल ओवर मूवी का रिव्यू, क्या इसका इफेक्ट होने वाला है और क्या चीज़ें बाकी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर करूँगा। एक और चीज़ भी, कुछ दिन पहले ही मैंने अपना नया गाना अगर नाथ देखोगे तो उसको रैप वर्स में डाल के दिया है। एक न्यू चैनल है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाओ आप लोग एक बार जरूर से सुनो। उसमें भी मैंने कलयुग को लेके एक जो अभी सिचुएशन है उसको लेके एक रैप वर्स में चीज़ डाली है सेकंड पार्ट में, तो जाके जरूर से सुनिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे पता है आप में से कई लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जाओ एक बार सुन के उसके नीचे कमेंट जरूर से करो। शुक्रिया।